Hello everyone, today we'll be talking about aerial adaptation, means we'll be talking about those animals which are adapted to aerial mode of life, matlab those birds which can fly in air. To un animals mein aisa kya adaptation dekha gaya hai taki wo apne habitat mein better survive kar sake ya better reproduce kar sake. So sabse pehle adaptation, so we can define it as those animals which are adapted to aerial mode of life. तो जनरली हम बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके अंदर ऐसा क्या अडेप्टेशन देखा गया है ताकि दे कैन ईजिली फ्लाई इन द एयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा गया कि उनका बॉडी कैसा होता है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी. They have streamlined body, as we have discussed in aquatic adaptation also, कि streamlined body का मतलब होता है tapered ends. Tapered end मतलब जिनके head और tail portion है वो smaller होता है comparative to their middle portion. तो head and tail portion are smaller in comparative to their middle portion, that particular body is known as streamlined body. अब ऐसे adaptation क्यों हुआ, ताकि वो लोग easily क्या कर सके, fly कर सके air पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, मीन्स हेड एंड टेल पोर्शन, हेड एंड टेल पार्ट आर स्मॉलर देन देयर मिडिल पोर्शन. किसके लिए? So that they can easily fly in the air. So that they can easily fly in the air. Second adaptation देखा गया कि उनके जो फोल्डम्स होते हैं, फोल्डम्स के बारे में हम बात करते हैं, इन जनरल ह्यूमन के बारे में बात करें, फोल्डम्स मीन्स अ हैंड्स. तो उनके अंदर जो फोल्डम्स होते हैं बर्ड्स में, दोज फोल्डम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. विंग्स में क्यों मॉडिफाई हुआ? ताकि दे कैन इजिली फ्लाई इन द एयर. सो फोल्डम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. ये सेकेंड अडेप्टेशन देखा गया है बर्ड्स में. थर्ड अडेप्टेशन टू ईजिली फ्लाई, उनके अंदर चेस्ट मसल्स क्या हो गए, वेल डेवलप्ड हो चुके. चेस्ट मसल्स मीन्स ब्रेस्ट मसल्स, वो क्या हो चुके, वेल डेवलप्ड. और विंग्स भी क्या है, दे आर स्ट्रांगली अटैच टू द चेस्ट मसल्स. सो चेस्ट मसल्स आर वेल डेवलप्ड. डेवलप्ड फॉर फ्लाइंग. फोर्थ अडेप्टेशन, उनके अंदर जो बोन्स होते हैं वो बेसिकली हॉलो होता है. हॉलो होता है, लॉन्ग हॉलो होता है, लाइट होता है, स्पंजी होता है. क्यों? ताकि वो लोग अपने बॉडी वेट को सपोर्ट कर सके, ताकि जब उड़ते वक्त देर द बॉडी वेट की वजह से वो नीचे ड्रॉप आउट ना हो, उस बेसिस में उनके बोन्स कैसा होता है, हॉलो. तो दे हैव हॉलो, लाइट एंड स्पंजी बोन्स. ये सब कुछ अडेप्टेशंस क्यों हुआ? ताकि वो लोग इजिली क्या हो, दे कैन इजिली फ्लाई इन द एयर. तो उनके बोन्स कैसे हो गए, हॉलो, लाइट एंड स्पंजी, स्पंजी बोन्स. उसके अलावा उनमें एयर कैविटीज भी क्या होता है, प्रेजेंट. सो एंड एयर कैविटीज आर प्रेजेंट. स्पंजी बोन्स एंड एयर कैविटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट. फिफ्थ अडेप्टेशन ब्रीथिंग के लिए, दे हैव लंग्स. सो फिफ्थ अडेप्टेशन हम लिख सकते हैं, दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग, फॉर ब्रीथिंग. एंड लास्ट अडेप्टेशन देखा गया कि इनके अंदर जो भी नर्वस सिस्टम होते हैं या जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड. सो दे हैव वेल डेवलप्ड
नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स. एग्जाम्पल लिखना है, यू कैन राइट स्पैरो, यू कैन राइट पिजियन. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एरियल मोड ऑफ लाइफ. तो क्योंकि एक और बार देखते हैं कि हमने एनिमल्स जो होते हैं एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए अडेप्टेड है, उनके अंदर ऐसे क्या अडेप्टेशंस देखा गया है. सबसे पहले दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी. स्ट्रीमलाइंड बॉडी मतलब उनके हेड और टेल पोर्शन क्या है, स्मॉलर इन कंपेयर टू देयर मिडिल पोर्शन, ताकि वो लोग ईजिली क्या कर सके, दे कैन ईजिली फ्लाई इन द एयर. सेकेंड, जो फोर लिम्स होते हैं ह्यूमन में, दैट इज नोन एज हैंड्स, उनके अंदर बर्ड्स में दीज फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन टू विंग्स. विंग्स में मॉडिफाइड हो चुका है. उनके जो चेस्ट मसल्स है वो क्या हो चुका है, वेल डेवलप्ड, दे हैव वेल डेवलप्ड चेस्ट मसल्स. उनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो है, लाइट है, स्पंजी है, एयर कैविटीज भी प्रेजेंट है, ताकि वो लोग इजिली क्या कर सके, एयर पे फ्लाई कर सके. सो दे हैव हॉलो, लाइट एंड स्पंजी बोन्स. सेकेंड, दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग, आई मीन फिफ्थ पॉइंट. एंड सिक्स, उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होते या सेंस ऑर्गन्स होते वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ. Means those plants or animals which live on land. उनके अंदर ऐसा क्या adaptation देखा गया है. We'll be talking about terrestrial adaptation, means plants and animals that live on land. First, we'll be talking about plants. Plants mein aisa kya adaptation dikha gaya? कि उनके जो रूट और स्टेम लीव्स होते हैं वो क्या है, वेल डेवलप्ड. दे हैव वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव्स. रूट स्टेम एंड लीव्स क्या है, वेल डेवलप्ड. जिनके सबके पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, जैसे रूट का हम फंक्शन बोल सकते हैं कि दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. सॉइल से जो भी, सॉइल में जो भी वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब कुछ एक्टिवली कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करता है. सिंस दे हैव वेल डेवलप्ड रूट्स, तो रूट्स, रूट हेयर्स जो होंगे वो एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट है. सेकेंड, इनके अंदर जो स्टेम होता है उसका फंक्शन होता है कंडक्शन का. कंडक्शन मीन्स कि जो भी वाटर एंड मिनरल्स रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने में किसका रोल है, स्टेम का. सो दे हेल्प इन कंडक्शन. कंडक्शन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, यू कैन से कि जो भी वाटर एंड मिनरल्स सॉइल रूट ने एब्जॉर्ब किया फ्रॉम सॉइल, दोज वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, स्टेम. एंड थर्ड इज लीव्स. इसके अलावा फूड का भी कंडक्शन करता है स्टेम का. जो भी फूड प्रिपेयर किया है लीव्स ने उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का भी काम कौन करेगा, स्टेम. सो यू कैन राइट कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड. थर्ड इज लीव्स, जिनको हम बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. व्हाई दे आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, क्योंकि यहां पे फूड का सिंथेसिस होता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. कि लाइट और लीव्स में कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल. तो लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स में, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या देखा है, दे हैव वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव्स. रूट्स का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स जो भी प्रेजेंट होता है सॉइल में उसको एक्टिवली एब्जॉर्ब करना. स्टेम का काम होता है जो भी वाटर और मिनरल्स रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है
उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम, एज वेल एज जो भी फूड प्रिपेयर हुआ लीव्स में उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का भी काम कौन करेगा? स्टेम. एंड लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट बिकॉज फूड इज मैन्युफैक्चर और फूड इज सिंथेसाइज ऑन लीव्स. और द प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. किसके प्रेजेंस में होता है फोटोसिंथेसिस? लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, कि इनके अंदर एडाप्टेशन ये देखा गया है कि जो स्किन है द स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स और हेयर्स जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे. द स्किन इज कवर्ड विथ स्केल्स और हेयर्स उसके अलावा दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम इनके अंदर क्या है वेल डेवलप्ड. थर्ड बोल सकते हैं दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग ऑल्सो दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग. एंड फोर्थ पॉइंट कि इनके अंदर जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है वेल डेवलप. कि इन्वायरमेंटल में जो भी चेंजेस होता है उन सबको अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. सो दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. सो एनिमल्स में क्या है दे हैव स्किन. स्किन जो है वो कवर्ड होता है स्केल्स या हेयर से फॉर प्रोटेक्शन. दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स कि जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस है उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड फॉर ब्रीथिंग दे हैव लंग्स. सो दीज आर क्वाइट फ्यू एडेप्टेशन सीन इन टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ. थैंक यू.